सो हमारे पास स्टूडेंट्स आज का हमारे पास टॉपिक रहेगा द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और समझने के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेसिस यहीं से स्टार्ट होते हैं हमारे बायो के। प्लस वन का पहला चैप्टर ही है कि लिविंग वर्ल्ड, कि लिविंग होता क्या है, ठीक है। कोई भी जिंदा प्राणी उसको क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं लिविंग, ठीक है जी। बट हमारे पास रहता है कि क्या हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्या वो भी जीवित होते हैं, जैसे पहाड़ हो गए, ठीक है, ग्रो करते हैं, क्या ये लिविंग है। कईयों से मैंने किसी से पूछा था कि ये जो नदी होती है, ये जो सूरज है, क्या ये लिविंग है, तो किसी ने कहा था हाँ होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ देखेंगे कि हम करेक्टराइज कैसे करते हैं कि लिविंग है कोई चीज़ या नहीं, लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां से क्वेश्चन बनता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स और लिविंग बींग, ठीक है, लिविंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास, देखिए दो तरह के करेक्टर होते हैं, एक होते हैं डिफाइनिंग करेक्टर्स और एक होते हैं नॉन डिफाइनिंग करेक्टर्स। नॉन डिफाइनिंग और दूसरे होते हैं डिफाइनिंग करेक्टर्स। नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग करेक्टर्स, ओके। अब देखिए नॉन डिफाइनिंग करेक्टर्स में क्या क्या रहेंगी, क्या करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास रहेंगी। सबसे पहला ग्रोथ, दूसरा रहेगा रिप्रोडक्शन। क्या बात कर रहे हैं सर आप, हमारे पास नॉन डिफाइनिंग करेक्टर्स में ही ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे आ सकता है। चलो अभी बताऊंगा। डिफाइनिंग करेक्टर्स में लिखो मेटाबॉलिज्म, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और हमारे पास कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस कॉन्शियसनेस, ये बात हो गई हमारे पास। ये नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग करेक्टर्स हो गए। अब इनको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले ग्रोथ के बारे में करते हैं। देखिए ग्रोथ दो तरह की होती है, एक अंदर से ग्रोथ और एक होती है बाहर से ग्रोथ। अंदर वाली ग्रोथ को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रिंक्टिक ग्रोथ, इंस्ट्रिंजिक ग्रोथ, और बाहर वाली ग्रोथ को जो बाहर से होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंजिक ग्रोथ। क्या बात हुई सर, एक्सट्रिंजिक, ठीक है। एक्सट्रिंजिक जैसे पहाड़ के ऊपर क्या है, सॉइल जमा हो रही है, ठीक है, या फिर कहीं पे मान लो कि कोई जगह है वहां पे मिट्टी का टीला बनता जा रहा है टाइम के साथ, तो वो वहां पे भी ग्रोथ हो रही है ना, वो आउटर ग्रोथ है, एक्सट्रिंजिक ग्रोथ है, बाहर से ग्रोथ हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम, हमारे पास ग्रोथ हो रही है। इस तरह की ग्रोथ जिस ऑर्गेनिज्म में होगी, जिसमें भी होगी, वो नॉन लिविंग रहेगा। और जब हम बात करेंगे इंस्ट्रिंजिक ग्रोथ की, अंदर से जो ग्रोथ होगी, अंदर से बाहर को ग्रोथ होगी, अंदर से बाहर, तो वो रहेगी लिविंग बींग की करेक्टरिस्टिक, लिविंग, उसको हम लिविंग बोलेंगे। समझाई बात, क्या बोला मैंने, हाँ जी। अब देखो ये हो गया, इसको लिख ले। अब देखो रिप्रोडक्शन आती है हमारे पास। अब किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं आप, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज, या संतान की उत्पत्ति, क्या है रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना, री फिर से प्रोड्यूस, उसकी प्रोड्यूशन करना या प्रोडक्शन करना, यही चीज़ है सिंपल सी टर्म है। अब मुझे ये बताओ क्या रिप्रोडक्शन हमारे पास एक डिफाइनिंग करेक्टर्स है कि लिविंग बीइंग होने का ये सबूत है, बोलिए। यस सर, रिप्रोडक्शन कैसे कैसे बोल सकते हैं आप, थोड़ा मेरे को करिए, है ना, अपने विचार दीजिए, एलैबोरेट करिए थोड़ा सा। क्या पूछा आपने, यही पूछा ना कि
लिविंग करेक्टर है ये या नहीं है? हाँ, रिप्रोडक्शन को आपने बोला कि हमारे पास, आपने बोला, आपका जवाब था, मैंने पूछा ये डिफाइनिंग करेक्टर्स हैं, है ना, कि मतलब हम बोल सकते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन होती है वो लिविंग है, या ऐसा बोल यस सकते हैं सर, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगी वो लिविंग नहीं होगा। समझी बात को? अच्छा मुझे बताओ, जो हमारे पास खच्चर होती है, खच्चर म्यूल, लिविंग होती है या नॉन लिविंग होती है? लिविंग होती है। लिविंग होती है। अच्छा एक और पूछता हूँ, मुझे बताओ जो ट्रांसजेंडर होते हैं लिविंग होती है या नॉन लिविंग होते हैं? ट्रांसजेंडर वो भी लिविंग ही होते हैं। लिविंग होते हैं ना। तो यहां से एक बात तो निकल के यस सर, आती है, जो संतान उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता ना। बात सुनना, अभी आप माइक ऑफ कर लीजिए, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ ठीक है, ओके। तो मैंने बोला कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जैसा कि हमने देखा ट्रांसजेंडर हो गए, स्टीराइल कपल हैं, ठीक है, उसी तरह से खच्चर की बात की हमने, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास लिविंग है बट संतान की उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है, कंक्लूजन क्या निकल के आया, कि जरूरी नहीं है कि लिविंग थिंग क्या करे, बच्चे पैदा करे या रिप्रोडक्शन करे, है ना। तो हमारे पास रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग करेक्टर्स में तभी आता है। लिविंग को हम बांट रहे हैं डिफाइनिंग करेक्टर्स और नॉन डिफाइनिंग करेक्टर्स में, कि कौन से करेक्टर्स हैं तो बताते हैं कि हमारे पास लिविंग है कोई थिंग। तो हमारे पास दो करेक्टर्स हैं, ग्रोथ, एक एक्सट्रिंजिक ग्रोथ, और रिप्रोडक्शन, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा, सॉरी, जिससे पता लगता है कि हमारे पास कोई चीज लिविंग नहीं है या लिविंग है। उसी तरह से हम बात करेंगे डिफाइनिंग करेक्टर्स की, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अब मुझे बताओ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कौन बताएगा मुझे मेटाबॉलिज्म? यस, किरण ठाकुर बताएंगी। चलो हाँ, फिर आपसे आपसे पूछता हूँ, मैं सबसे पूछूंगा ना, क्लास में एक माहौल रहे जिसमें सभी पार्टिसिपेट करें। किरण ठाकुर बोलिए। अनीता, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अंजलि, क्या बोल रहे हो? ब्रेकडाउन। मेटाबॉलिज्म, अच्छा। शिल्पा आप बोलिए अब। सर, जो बॉडी के अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं शायद। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी मैं एक यहाँ पे चीज लिख रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मेटाबॉलिज्म की, ठीक है, ये जिंदगी में कभी मत भूलना, मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ मेटाबॉलिज्म सभी के लिए। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं पूछूंगा मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ ऑल केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज, तो क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, सम ऑफ ऑल केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस इन अवर बॉडी या एनी ऑर्गेनिज्म बॉडी। समझाई बात? किसी भी ऑर्गेनिज्म बॉडी के या फिर हमारी बॉडी में जो हमारे पास सम हो रहा है, किसका? केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको बोला गया है। ठीक, बात समझ आई? बोलिए। कोई दिक्कत यहां तक? यस सर। दो तरह का होता है। अब ये मेटाबॉलिज्म कैसे कैसे चलता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म,
एक होता है एनाबोलिज्म। अब आप मुझे बताएंगे कि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है। ये पार्ट है किसका? मेटाबॉलिज्म का पार्ट है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। किसमें चीजें बनती हैं और किसमें टूटती हैं? हाँ जी जल्दी बोलिए। टूटती हैं एनाबॉलिज्म में बनती हैं। अच्छा आप बोल रहे हैं कि एनाबॉलिज्म में चीजें बनेंगी, तो ग्लाइकोलाइसिस कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है? बोलिए। ग्लाइकोलाइसिस कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म है, वेरी गुड। अच्छा अब ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस वो जिसमें बनते हैं एनाबॉलिज्म भी है। वेरी गुड, ठीक है, ओके गुड। अब देखो मैंने बोला कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेकडाउन। माइक ऑफ कर लीजिए, आप जवाब दे देते हैं, माइक ऑफ कर लीजिए कीजिए, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होती है और एनाबॉलिज्म में हमारे पास क्या बनती है? सिंथेसिस होती है, किसी भी चीज की सिंथेसिस होगी। देखिए अब कैटाबॉलिज्म में एग्जांपल दिया, कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और एनाबॉलिज्म का क्या हमारे पास एग्जांपल हुआ? ग्लूकोजेनेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारे पास? ये है एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल। यहां तक किसी को अभी दिक्कत है तो बोलिए। अब चलते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, मैं बैक आपको बता दूंगा कहाँ पे। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बोल रहे हैं? देखिए अब हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। हाँ, जो भी लिविंग थिंग होगी वो किसकी बनी होगी? सेल्स की बनी होगी। छोटी से बड़ी चीज जो भी है सेल की बनी होगी, समझ रहे हो बात को? सेल है, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है वो भी एक टाइप का सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, समझ रहे हो बात को? तो मतलब सेल जो भी हमारे पास लिविंग है वो ऑटोमेटिकली एक सेल है, उसमें सेल का बना होगा या सेल है, ठीक है। तो यहाँ से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसमें देखने को मिलेगी, ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। भैया अपने बारे में सजगता या अपने बारे में समझना, या फिर हम बोलें कि क्या चीज़ सही है, क्या खाना है, क्या पीना है ना, ठंड लग रही है, गर्म लग रही है, ठीक है, मेरा पैर जो है कील के ऊपर रखा जाता है, मेरे को दर्द होता है, ये सब क्या है? कॉन्शियसनेस है, बोलिए, कॉन्शियसनेस है ना। तो ये भी किसका है, बोलिए किसका है? ये लिविंग का है ना, करेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं क्या? हाँ जी सर बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब भाई यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखूंगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं चीज लिख रहा हूं कि हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियस नेस, ये किसकी करेक्टरिस्टिक है? ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं। पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ, वहां पे लिखा होगा, अभी देखना, डॉग, कैट, स्नेक, ह्यूमन बींग्स। आंसर लगेगा ह्यूमन बींग्स, क्यों? क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है खुद के बारे में सजगता। एक थी सजगता, एक थी खुद के बारे में सजगता, भाई मेरा हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, मेरे को आज कैसे कपड़े पहनने हैं, ठीक है, अच्छा मुझे शेव करनी है, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, ये कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है। कभी कुत्ते ने बोला कि हम मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, दाढ़ी तो क्या है, मतलब मेरे बाल बड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है, या फिर उसने सोचा कभी कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, या फिर ऐसा सोचा हो कि मैंने, मेरे को आज ऐसी ड्रेस पहनानी चाहिए, आज मेरे को गंदी ड्रेस पहना दी, ठीक है, मतलब उनको क्या है, खुद के बारे में सजगता नहीं है, कॉन्शियसनेस है उनमें लेकिन खुद के बारे में सजगता है ह्यूमन बीइंग के पास। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें, बोलिए जल्दी बोलिए।
यस सर। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉमिक्लेचर के बारे में। लिख रहा हूं यहां पे नॉमिक्लेचर, मतलब नाम देना। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या देना है? हमने नाम देना है। कैसे देंगे नाम? हमारे पास कुछ संगठन है जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास कोई चीज को हमने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको क्या करना है? हमने उनको डिस्क्राइब किया, फिर हमने बता दी कि इसकी करेक्टरिस्टिक ऐसी हैं, ठीक है, फलाना फलाना है। लेकिन हमने उसको नाम भी तो देना है, कुछ ऐसा नाम जो पूरे विश्व विख्यात हो। जैसे हम क्या बोल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉग है, डॉग के कितने नाम है? कुकुर है, ठीक है, कुत्ता बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं? डॉग भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन साइंटिफिक नेम होगा वो अलग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल और लेते थे आम, आम सुना होगा, आम को क्या क्या बोल देते हैं? आम बोल देते हैं आम्रपाली बोल देते हैं, अम्बुआ बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं? और मैंगी फेरा इंडिका बोल देते हैं, जो कि पूरे विश्व में विख्यात है, वो है मैंगी फेरा इंडिका। तो कुछ ऐसा नाम जो पूरे विश्व विख्यात हो, ऐसे नाम को हम नॉमिक्लेचर बोलते हैं। कौन कौन से संगठन हैं जिन्होंने ये दिया? पहली बात तो लिख लें, ICBN, ये देता है हमारे पास इंटरनेशनल कोड फॉर, मैं एक की फुल फॉर्म लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट का हम मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा। इंटरनेशनल कोड, वैसे इसकी मैं PDF दे दूंगा आपको, ठीक है, जिसमें इसके बारे में डिटेल से लिखा होगा। ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोट्स करवा रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमिक्लेचर। ये हो गया। अच्छा, अब आएगा ICZN, यहाँ पे सारा सेम रहेगा, बस जूलॉजिकल नॉमिक्लेचर हो जाएगा यहाँ पे, जूलॉजिकल, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जूलॉजिकल। ये बताओ जूलॉजिकल किसके लिए रहता है, कोई एक बता दो मुझे, तब तक मैं नेक्स्ट करवाता हूँ। ICVN, ये वायरल नॉमिक्लेचर, अब लास्ट लिख रहा हूं मैं NB, इसका मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमिक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ये सारे संगठन आपको ध्यान रखने, कौन किसको नाम देता है, डन। अब चलते हैं नेक्स्ट, बायोलॉजिकल नॉमिक्लेचर कैसे देंगे हम, कैसे लिखेंगे बायोलॉजिकल नॉमिक्लेचर। देखिए, हमारे पास क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं इसके, क्या होते हैं? दो कंपोनेंट रहते हैं, टू कंपोनेंट्स। पूछा जाए बायोलॉजिकल नॉमिक्लेचर के कितने कंपोनेंट रहेंगे, कितने बोलोगे आप? दो, एक रहता है जेनरिक नेम जिसको बोलते हैं जीनस, पहले जीनस लिखा जाता है फिर लिखी जाती है स्पीसीज। जीनस की जगह जेनरिक नेम लिखने देखने को मिलेगा, जेनरिक जेनरिक नेम, और स्पीसीज की जगह आपको स्पेसिफिक एपिथेट ये देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको इस तरह से आ जाए, क्योंकि NCERT में दिया हुआ है, टफ से टफ पेपर भी आ जाए तो, अगर मेरी इस सीरीज को आप देखते हो बायोलॉजी की, तो वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। आसान आसान तो कर ही लेंगे आप, ठीक है, अगर ये देखेंगे, लेकिन टफेस्ट एग्जाम भी आ जाए ना टैट का, तब भी इन जो मेरे लेक्चर्स हैं इनको देख के आप उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है, बट सुनना ध्यान से और प्रैक्टिस भी करना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ रूल्स हैं बायोलॉजिकल नेम नाम नाम लिखने के लिए, कुछ रूल्स हैं फॉर बायोलॉजिकल नॉमिक्लेचर, किस तरह से करेंगे। पहला रूल लिखो, क्या है हमारे पास, फर्स्ट नेम जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा बायोलॉजिकल नेम में, किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस, फर्स्ट नेम जीनस, सेकंड नेम स्पीसीज, क्या बोला, स्पीसीज बोल दिया,
डन, ये स्पेसिफिक एपिथेट बोल दिया। जब भी हम पहला नाम लिखेंगे उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर, और जो दूसरा होगा वो स्मॉल लेटर। बताऊंगा आपको, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ले लेते हैं, मैं सिंपल सा लूंगा मैंगी फेरा, मैंगी, वेट वेट वेट, हाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मैंगी फेरा, कुछ हो गया क्या, मैंगी फेरा इंडिका, इंडिका आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं स्मॉल लिखूंगा। अब हैंड रिटन है, मैं क्या करूँगा इसको अंडरलाइन कर दूंगा, हैंड रिटन है तो अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला नाम है उसका एम मैंने कैपिटल रखा, और जहाँ पे इंडिका लिखा ना, इंडिका में आई कैसे लिखा, स्मॉल लिखा क्या, तो यही रूल रहता है हमारे पास। अगला रूल यही है कि अंडरलाइन करेंगे इनको सेपरेटली, ठीक है जी। और इनका ओरिजिन कैसा इंडिकेट करता है, इनका ओरिजिन क्या है, किसी भी नॉमिक्लेचर का इंडिकेट क्या करता है, अच्छा पूछा जाए ओरिजिन ऑफ नॉमिक्लेचर, ओरिजिन ऑफ बायोलॉजिकल नॉमिक्लेचर, नॉमिक्लेचर याद रखना लैटिन, लैटिन भाषा से उत्पत्ति होती है जितने भी नाम हैं, ठीक है, लैटिन में लिखे जाते हैं। अच्छा, जब हम इसको प्रिंटेड फॉर्म में लिखते हैं तो क्वेश्चन आएगा कि कैसे लिखेंगे, प्रिंटेड में लिखा मेरे पास, मान लो कि प्रिंटेड है तो कैसे लिखेंगे हम इसका नाम मैंगी फिर एंडिका का, तब मैं इसको लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, तब मैं इटैलिक्स में लिखूंगा, इटैलिक्स, कैसे लिखूंगा, इटैलिक्स में लिखूंगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस इतना सा था इसके बारे में। अच्छा एक और पॉइंट रहता है, उसको भी लिख लीजिए, ऑथर नेम, ऑथर नेम लास्ट में लिखा जाएगा, किसके बाद, स्पीसीज के बाद लिखा जाता है, और वो भी एब्रीवेटिव फॉर्म में, एब्रीवेटिव फॉर्म होती है शॉर्ट फॉर्म, फॉर एग्जांपल लीनियस है तो इसको लिख दिया मैंने लिन, तो ये क्या है, एब्रीवेटिव फॉर्म है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे मैंगी फेरा इंडिका, इंडिका लिन, यहाँ पे लिन जो है डिस्क्राइब किसको कर रहा है भाई, ये कर रहा है ऑथर को डिस्क्राइब, किसको, ऑथर को डिस्क्राइब कर रहा है, और लिन जो है ये भी हमारे पास क्या आएगा, ये चीज देखो ये लिख दिया मैंने, बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, ओके नेक्स्ट चलते हैं हम टैक्सोनॉमी। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स, थक तो नहीं गए, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को ही सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं, क्या मतलब है सर इसका, सिंपल सी बात है, जो हमारे पास स्पीसीज है ना उसको सिस्टमैटिकली हमने क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है, जैसे किंगडम देते हैं हम, ठीक है, फिर हम बोलते हैं फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो इस तरह से इसको क्या करना है हमने, ठीक है, हमने सिस्टमैटिक डालना है या सिस्टमैटिक इसका वर्णन करना है, ठीक है, तो हमने सिस्टमैटिक का इसलिए यूज किया, तो टैक्सोनॉमी को सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं। तो अब देखो सिस्टमैटिक्स कैसे कैसे चलेगी, पहले हम करैक्टराइजेशन करेंगे, पहले हम किसी चीज़ का करैक्टर्स देखेंगे, कोई चीज़ मुझे मिली, ठीक है, मान लो कोई प्लांट मिल गया, पहले उसकी करैक्टर्स देखेंगे मैं, करैक्टराइजेशन की, फिर आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन की कि हाँ इसकी किसी के साथ गुण तो नहीं मिल रहे हैं, करैक्टर्स तो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दी कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, ठीक है, कि हाँ इसमें डाल देता हूँ तो ऐसा होगा, जैसे मैं, मेरे को मान लो कि मेरे को क्या मिल गई, घर की मक्खी मिल गई, हाउस फ्लाई जिसको बोलते हैं, अब मैं क्या करूँगा उसको, पहले देखूँगा कि हाँ उसके करेक्टर्स देखूँगा, फिर उसको आइडेंटिफाई करूँगा कि कहाँ पे इसको रख सकता हूँ,
इंसेक्ट जैसी दिखती है तो इंसेक्ट में रख दिया, या फिर आर्थ्रोपोडा में रख दिया, थोड़ा इसका क्या है कि बहुत सारी टांगे हैं, इंसेक्ट जैसी दिखती है। अच्छा फिर क्लासिफाई कर दिया, किस में करूँगा, इसकी क्लास क्या है, इसकी किंगडम क्या है, फाइलम क्या रहेगी, ये ऐसे क्लासिफाई किया। फिर नॉमिक्लेचर कर दिया, ये हमारे पास टैक्सोनॉमी के रहता है। हाँ नॉमिक्लेचर में जीनस और स्पीसीज दोनों को अंडरलाइन करना है, वेरी गुड। हाँ ये ध्यान रखना है चीज का, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल करना है, ऐसा करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहेंगे, हमारे पास स्टेप्स रहेंगे टैक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक्स जब हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्या बन सकता है हमारे पास, अब बनेगा हमारे पास कि बताइए जी सिस्टम ऑफ नेचर बुक किसने लिखी, सिस्टम नेचर बुक, ये क्या है, बुक है, ठीक है। अच्छा ये किसने लिखी, लीनियस ने लिखी, कॉलस लीनियस जिसको बोलते थे, लीनियस। अच्छा एक आती है सिस्टमेटिक टर्म, ये किसने दी, सिस्टमेटिक्स, ये भी किसने दी, लीनियस ने ही दी, ध्यान रखना है इस चीज का, ओके। तो ये चीजें हुई, अब मुझे बताओ यहां तक किसी को डाउट है,